रूपनगर दी जीआरपी पुलिस ने एक जाली टीटी दी जो टीटी वर्दी पा के अते डुप्लीकेट आई कार्ड लेके वक् वक् ट्रेनों में लोगों दी टिकटों की जांच करता सी अते रेलवे के सीनियर टीटी ने उसनू फड़ के जीआरपी पुलिस के हवाले कर दिता। उसनू अज सिविल हस्पताल रूपनगर विखे मैडिकल करवाने उपरंत अदालत में पेश किया गया। चौंकी इंचार्ज सुग्रीव चंद ने दस्सिया कि उस खिलाफ़ धारा 170 171 तहत केस दर्ज करके अगलेरी कार्रवाई की जा रही है। आओ देखते हैं साड़ी खास रिपोर्ट। मैं चौकी इंचार्ज जी आर पी रेलवे पुलिस रूपनगर सुखरीप चंद तो ये असी कल शामी चैकिंग के संबंध में रेलवे स्टेशन रूपनगर के मुसाफरखाने से मौजूद सी तो शाम 7:30 बजे साढ़े जोड़े सीनियर टी टी ने उन्होंने एक बंदा लिया के मेरे पेश किया। इन्होंने जाली वर्दी पाई हुई थी तो जाली अपने बैज लाया हुआ सीगा तो जाली ने आई कार्ड अपने गले छपाया हुआ सीगा तो अपने आप को टी टी दस रहा सीगा लोगों दी टिकटां चैक कर रहा सीगा तो जदों असी पूरी छानबीन की तो वाकई जाली पाया गया। ये खिलाफ़ 170 171 आई पी सी का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश अमल में ली जा रही है। तो जिहड़ा इस बंदे का नाम है पहला इन्हें अपना नाम जो आई कार्ड से इन्हें सुशील कुमार शालों सुरेंद्र कुमार लिखा हुआ तो जदों यदा इन पूछगिछ करी सकती उन्होंने इन्हें अपना नाम गगन कुमार शालों हंसराज वासी शेखा रोड वार्ड नंबर 10 गली नंबर 4 बरनला थाना जिला बरनला दसा। तो उस बाद जो मैं होर पूछगिछ की तो जरा ये जो ये घर का आधार कार्ड मंगाया तो उसका नाम गगनदीप गर्ग सन ऑफ हंसराज गर्ग तो बाकी एड्रैस सेम पता लगे। ये बंदा बड़ा छात्र है ये खिलाफ पहला भी 460 467 के मुकदमे दर्ज ने वो बारे अभी थाना इतने बरनाले संपर्क किया गया तो पे सैप तो आई डी कढ़ के पता।